Good morning, good afternoon. This is Evangelist George Garcia calling you from Colombia, South America. I'm here on a mission trip, but I want to invite you to a Zoom presentation December 8th. You should have the time there. It's sponsored by Candlelight Christian Fellowship, and the Evangelist Pastor Ashif Author. So I'm looking forward to meeting you and talking to you on prayer. Prayer is very critical. And afterwards, I'm going to pray for the sick. So bring your sick, and I'm going to pray over the internet. You know, God's not limited by the internet. So I'm looking forward to meeting you and talking with you in Jesus' name. Amen. खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज के इस बाबरकत खूबसूरत मौका के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने नेशनल न्यूज़ चैनल पे खुदावंद की आवाज़ के प्रोग्राम में मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूँ। सो खुदावंद का शुक्र हो इस बात के लिए, और मैं अपना तारफ करवाऊँगी। मेरा नाम मिस अनिला औज है, और मैं PFES की स्टाफ वर्कर हूँ। PFES मीन्स पाकिस्तान फेलोशिप ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स। सो खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद इस मिनिस्ट्री के वसीला से अपने खिदमत के काम में इस्तेमाल करता है, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं PFES के साथ काम करते हुए। सो खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद अपने खिदमत के लिए हमें कसरत से इस्तेमाल करता है। और PFES की मिनिस्ट्री जो है वो स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री है, और हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ जो है खुदावंद का कलाम वीकली बाइबल स्टडी के ज़रिए शेयर करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, ताकि वो अपनी सेकुलर स्टडी के साथ साथ खुदावंद के कलाम की तालीम भी हासिल करें। सो ये मुख्तसर तारफ था मेरा भी और मेरे मिनिस्ट्री का भी। सो खुदावंद का शुक्र हो आज के इस मौका के लिए कि आज हम खुदावंद के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए कुछ बातें सीखेंगे, जो हिकमत और दनाई की बातें खुदा का कलाम हमें सिखाता है, उन पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिसमस का सीज़न है, और क्रिसमस के मौका पर सब बहुत खुश होते हैं, और एक बड़ी खुशी का एटमॉस्फेयर होता है, और खुशी का माहौल होता है, और एक मेल मिलाप और मोहब्बत की रूह सब में हमें नज़र आती है कि हम सब मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। और क्रिसमस के मौका पर हम खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन की यादगारी में इस त्यौहार को मनाते हैं, और पूरी दुनिया में क्रिसमस के मौका पर खुशियां मनाई जाती हैं, और इन दिनों में बहुत सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए इस बात पर ध्यान करेंगे या गौर करेंगे कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, जब हम हर साल क्रिसमस की खुशियों को एंजॉय करते हैं, तो हमारा जो फोकस है वो किन चीज़ों पे होता है। क्या हम खुदावंद यीशु मसीह को फोकस्ड करते हैं, उसके इस दुनिया में आने के मकसद को जानते हुए खुशियां मनाते हैं, या सिर्फ दुनियावी तौर पर हम इसको जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, और दुनियावी तौर पर हम इसकी तैयारियां करते हैं। सो खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि मसीह जो हमारा खुदावंद है वो क्यों इस दुनिया में आया। तो उसके इस दुनिया में आने के इस बाबरकत और खूबसूरत मौका पर जब पूरी दुनिया खुश होती है, तो खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को दुनिया में क्यों भेजा। सो आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से एक हवाला देखेंगे। पौलुस रसूल ने जो करिन्थस की कलीसिया को खत लिखा, दूसरा करिन्थियों 5वां बाब और उसकी 17वीं और 21वीं आयत तक हम अगर तिलावत करेंगे, तो खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। बस हम मसीह के एलची हैं,
गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है कि हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। कलाम मुकद्दस के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। सो अज़ीज़ो, जैसा कि हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 3 उसकी 16 आयत में भी लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो यहाँ पर हम खुदा की मोहब्बत को देखते हैं कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने इस बात को जो है वो जरूरी समझा कि वो इंसान जो गुनाह की वजह से उससे दूर हो गया था और गुनाह की वजह से जो खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई आ गई थी, उस जुदाई को ख़त्म करने के लिए खुदा बड़ा फिक्रमंद था और ये फिक्रमंदी उसकी मोहब्बत को जाहिर करती है। और सबसे पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी क्योंकि खुदा मोहब्बत है। सो उसने पहले से प्लान किया इस जुदाई को ख़त्म करने के लिए और इस पर खुदा ने जो है काम करना शुरू किया ताकि इंसान के साथ फिर से उसका क्लोज रिलेशनशिप हो जाए, वो क्लोज रिलेशनशिप जो बागे अदन में हम देखते हैं कि वो आदम के साथ रफाकत रखने के लिए, फेलोशिप रखने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए खुदा उसके साथ मौजूद होता था। सो खुदावंद फिर से वैसी रफाकत इंसान के साथ चाहता था जो गुनाह की वजह से जो दूरी और जुदाई आ गई थी इंसान में, खुदा उस रफाकत को, उस फेलोशिप को, उस मेल मिलाप को फिर से चाहता था कि वो रिस्टोर हो, वो फिर से बहाल हो। Good morning, good afternoon. This is Evangelist George Garcia calling you from Colombia, South America. I'm here on a mission trip, but I want to invite you to a Zoom presentation December 8th. You should have the time there. It's sponsored by Candlelight Christian Fellowship, and evangelist pastor Ashif Author. So I'm looking forward to meeting you and talking to you on prayer. Prayer is very critical. And afterwards, I'm going to pray for the sick. So bring your sick, and I'm going to pray over the internet. You know, God's not limited by the internet. So I'm looking forward to meeting you and talking with you in Jesus' name. Amen. तो उसके लिए जब खुदा ने नजात का एक बहुत खूबसूरत प्लान तरतीब दिया तो उसने अपने बेटे यानी हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से इस प्लान को पूरा किया और पाए, और खुदा यीशु मसीह ने इसको पाए तकमील तक पहुंचाया। बड़ी जिम्मेदारी के साथ खुदा ने इस काम को पूरा किया हमारे लिए ताकि हम खुदा के साथ फिर से उसकी क्लोज फेलोशिप में आ सकें और खुदा के साथ फिर से हमारी सुलह हो सके, उसके साथ हमारे से हमारी फिर से मेल मिलाप हो जाए और उसकी कुर्बत हमें हासिल हो। और आज हम देखते हैं कि जब हम मसीह के वसीला से निजात पा जाते हैं तो हमें ये बड़ा प्रिविलेज हासिल होता है कि हम खुदा की कुर्बत में जा सकते हैं, उसके हजूर जब भी हमें मौका मिले हम उसके हजूरी में हाजिर हो सकते हैं, उसके साथ फेलोशिप रख सकते हैं, रफाकत रख सकते हैं और दुआ के वसीला से हम उसके साथ क्लोज फेलोशिप में मुंसलिक होते हैं। तो खुदा यीशु मसीह ने इस निजात के खूबसूरत प्लान को हमारे लिए पूरा किया। तो आज जो हमने हवाला पढ़ा है उसमें पौलुस रसूल जो है खुदा का खादिम, उसने क्रंथस की कलिसिया को ये बारवा कराया यानी उसको उनको रिमाइंड कराया और बताया और वाजिया किया कि खुदा यीशु मसीह के वसीला से हम नई जिंदगी, नई पैदाइश हासिल करते हैं, यानी हमें नए तौर से रूहानी जो है नया बनाया जाता है, खुदा हमें फिर से नया कर देता है और हमें नई पैदाइश जैसा तजर्बा हासिल होता है। सो इसीलिए वो कहता है कि इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। तो नया मखलूक हम तभी बनते हैं जब हम मसीह में आते हैं, मसीह के वसीला से जो है हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं और निजात जब हम हासिल करते हैं तो हम
नए सिरे से पैदा होते हैं, इसीलिए हमें नया मखलूक कहा गया है। जिस्मानी तौर पर तो हम एक दफ़ा पैदा हो चुके हैं, लेकिन ये पैदाइश हमारी रूहानी पैदाइश होती है और हम अपनी रूह में एक नई ताजगी और नयापन महसूस करते हैं कि वाकई हम पहले जैसे नहीं रहे। खुदा की रास्तबाजी हमारे अंदर आ जाती है और हम एक नया इंसान बन जाते हैं, नए मखलूक बन जाते हैं और हमारे अंदर मसीह जैसी एट्रीब्यूट्स और बातें और नेचर आ जाती है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि खुदा यीशु मसीह का था। सो खुदा यीशु मसीह की रास्तबाजी यानी उसकी नेचर हमारे अंदर आ जाती है, उसकी रास्तबाजी हमारे अंदर आ जाती है, इसलिए हम भी नए मखलूक बन जाते हैं। और जब हम नए बन जाते हैं तो हमारे अंदर से पुरानी चीज़ें जाती रहती हैं, और जब पुरानी चीज़ें जाती हैं नई चीज़ें आती हैं, तो नई चीज़ें क्या हैं? मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, रास्तबाजी है, पाकीज़गी है, जो रूह के फल हैं, ये चीज़ें हमारे अंदर आती हैं और हम इसका रूहानी तजर्बा और एक्सपीरियंस करते हैं। और ये तजर्बा सिर्फ और सिर्फ वही शख्स कर सकता है जो दिल से मसीह पर ईमान लाता है, वही इस तजर्बे को महसूस करता है और एक्सपीरियंस कर सकता है। सो ये तजर्बा हर ईमानदार की ज़िंदगी में है जो मसीह को कबूल करता है। और जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम उसके एक खादिम बन जाते हैं और खुदा के साथ मेल मिलाप की रूह हमारे अंदर काम करती है और हमें ईमानदार होते हुए ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भी इस मेल मिलाप की खिदमत का काम अंजाम दें, क्योंकि लिखा है कि सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं जो मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। सो पौलुस कहता है कि हम मसीह के एलची हैं, हम खुदा के खादम हैं, हम खुदा के अम्बेसडर हैं, हम खुदा के जो हैं खुदा के जो हैं पैगाम रसा हैं और हम खुदावंद के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सो हमें सॉल्वेशन जब मिल जाती है, नजात मिल जाती है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस मेल मिलाप की खिदमत को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें। और ये हर ईमानदार के हिस्से में इस जिम्मेदारी को दिया जाता है, क्योंकि जो नजात जो बरकत हमने पाई है, खुदा चाहता है कि वो नजात वो बरकत वो हमेशा की ज़िंदगी वो दूसरों तक भी लेके जाएं, दूसरों को भी उसके बारे में पहचान करवाएं। और जब हमें खुदा की मोहब्बत की उसके बेटे की उसके नजात की पहचान हो गई है, तो आए अजीजो इस क्रिसमस के मौका पर इस मेल मिलाप की खिदमत को पूरा करने का अहद करें कि हम भी खुदा के अच्छे खादम बनते हुए अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएं और मसीह के लिए गवाही दें, ताकि हम और हम सब मिलकर दूसरों तक अंजील को पहुंचा सकें, क्योंकि उसने मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की है। और खुदा में यीशु मसीह क्योंकि इसकी इलाही कुदरत में वो सब चीज़ें हैं जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं, और हमें उसकी पहचान के वसीला से ये सब अनायत की गई हैं, जिसने हमको अपने ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए से बुलाया है, ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बनें, बल्कि मसीह खुदावंद जो निजात देने इस दुनिया में आया, इस क्रिसमस के मौका पर इस पैगाम को हम दूसरों तक पहुंचाएं और हमारी ज़िंदगियों से, हमारे किरदार से, हमारे इन सारी सेलिब्रेशन से लोगों को पता चलना चाहिए कि खुदा यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया, क्यों उस दुनिया में उसने जन्म लिया, ताकि हमारे लिए निजात के काम को पूरा कर सके। इंसान बनकर वो इस दुनिया में आया ताकि इंसान की निजात का वसीला बन सके। सो आज अजीजो सॉल्वेशन जब हम हासिल कर लेते हैं, इस रिकंसिलिएशन में आ जाते हैं और खुदा के साथ हमारी जो है रफाकत फिर से हो जाती है मसीह के वसीला से, क्योंकि कलाम मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। सो खुदा बाप के पास जाने का एक ही रास्ता है और वो खुदा यीशु मसीह हैं, और इसके सिवा हम जो कुछ मर्जी कर लें हम खुदा तक नहीं पहुंच सकते। और जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं तो फिर हम खुदा के फर्जंद भी बन जाते हैं, इसीलिए हम उसे
पाप कहकर बुलाने के हकदार होते हैं, और ये बड़े हमारे लिए प्रिविलेज की बात है कि हम खुदा को बाप कह सकते हैं। सो आइए जीजो, जब हम इस निजात को पा चुके हैं, ईमानदार होने की हैसियत से हमारा ये कुल्ली फ़र्ज़ है और ज़िम्मेदारी है कि हम इस निजात के पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि सॉल्वेशन का मतलब ही है कि टोटल फॉरगिवनेस फ्रॉम द गॉड। हम जो मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस फॉरगिवनेस के पैगाम को गैर कौमों तक, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, लेके जाएं, जो अभी तक उसको नहीं जानते, नहीं पहचानते, वो भी इस पहचान को हासिल करें और कलामे मुकद्दस के इस पैगाम को, जो मोहब्बत का पैगाम है, जो नजात का पैगाम है, इसको दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी बच जाएं, उनकी जिंदगियां, उनकी रूहें बचें, और वो भी हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें, और वो भी नजात के वसीला से खुदा के फर्जंद बन जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। नहायत रहीम मेहरबान कद्दूस आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं तू जो हमारा जिंदा कादर मुतलक हकीकी खुदा हकीकी बाप है। ए बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये फ़र्ज़ बख्शा कि हम तेरे बेटे बेटियाँ बन सकें, और मसीह के वसीला से तूने हमें अपनी फर्जंदियत में कबूल किया। तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप कि तूने अपनी पहचान हमें मसीह के वसीला से बख्शी, और तेरे पाक कलाम के वसीला से हमने जाना कि किस तरह हमारे बाप ने हमारे साथ मेल मिलाप किया, उस खुदा बाप ने जिससे हम जुदा हो गए थे, और गुनाह की वजह से इंसान जो है खुदा से दूर हो गया था। ऐ बाप, तूने मसीह के वसीला से उस जुदाई को ख़त्म किया, उसको इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसके वसीला से तेरे फर्जंद बन सके, फिर से तेरी कुर्बत में आ सकें। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं कि इस क्रिसमस के मौका पर हमें तौफीक बख्श दे कि हम मेल मिलाप की इस खिदमत को दूसरों तक लेके जाएं, और खुदावंद जब हम हमारी तुझ से खुदावंद सुलह हो गई है और मेल मिलाप हो गया है, तो खुदावंद तो चाहता है कि हम दूसरे लोग जो तुझसे दूर हैं, जो गैर ईमानदार हैं, उनको भी तेरे पास लाने का वसीला बने, ताकि वो भी तेरे फर्जंद कहलाएं और तेरी बादशाही के लोग हों। सो खुदावंद, तू हम सबों को बड़ी बरकत दे, ताकि हम इस रूहानी बेदारी और रूहानी जज्बे के साथ क्रिसमस की खुशियों को मना सकें। तो सब ईमानदारों के साथ हो, पूरी दुनिया में सब ईमानदारों के लिए हम दुआ गुआएं खुदावंद के इस क्रिसमस सीजन में। खुदावंद, तू सबको रूहानी कुवत और रूहानी बेदारी से मामूर कर, ताकि वो क्रिसमस के इस पैगाम को, जो नजात और खुशी का पैगाम है, दूसरों तक भी लेके जा सकें। ये सब कुछ मांगते हैं खुदा बाप तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, दिस इज एवेंजेलिस्ट जॉर्ज गार्सिया कॉलिंग फ्रॉम कोलंबिया, साउथ अमेरिका। आई एम हियर ऑन अ मिशन ट्रिप, बट आई वांट टू इनवाइट यू टू अ ज़ूम प्रेजेंटेशन डिसेंबर 8th. You should have the time there. It's sponsored by Candlelight Christian Fellowship, and evangelist, pastor, chief author. So I'm looking forward to meeting you and talking to you on prayer. Prayer is very critical. And afterwards, I'm going to pray for the sick. So bring your sick, and I'm going to pray over the internet. You know, God's not limited by the internet. So I'm looking forward to meeting you and talking with you in Jesus' name. Amen.